नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग तरीके से जानेंगे कि आखिर वैदिक कल्चर क्या था। इसे हम वैदिक पीरियड या वैदिक एज भी कहते हैं। दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के समय में जाना होगा, लगभग 1900 BCE के दौरान। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ, तो एंड होने के बहुत सारे कारण और थ्योरीज बताए जाते हैं। उसी में से एक थ्योरी कहती है कि इस समय इंडो आर्यन नाम की एक ट्राइब माइग्रेट करके इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे आती है और यहाँ बसने लगती है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग साउथ की ओर माइग्रेट कर जाते हैं, और इन्हीं इंडो आर्यन के यहाँ बसने से इस वैदिक कल्चर की शुरुआत हुई और इस पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाने लगा। दोस्तों, इनकी लैंग्वेज संस्कृत हुआ करती थी। शुरू में ये बहुत कम संख्या में आए और सिर्फ इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और पंजाब तक ही सीमित थे। लेकिन चूंकि ये जानवर पाला करते थे, नोमेडिक हर्डर्स थे, इसलिए ये पास्चर लैंड की तलाश में धीरे धीरे इंडो गैंगेटिक प्लेन में फैल गए, और 6th century आते आते ये पूरा नॉर्थ इंडिया इन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया, और इसलिए भारत को आर्यवर्त कहा गया। इन सब के बारे में हमें वेदों से पता लगता है, जो कि 1500 से 600 BCE के दौरान कंपोज किए गए, जिनकी संख्या 4 है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा, जिनमें ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट है और इसमें लगभग 1028 हाइम्स हैं, जो कि अग्नि, वरुण और इंद्र भगवान को डेडिकेटेड हैं। दोस्तों, पूरे वैदिक एज को दो भागों में बांटा गया है, अर्ली वैदिक पीरियड जिसे हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, और जिसका टाइम पीरियड 1500 BCE से 1000 BCE है, और लेटर वैदिक पीरियड जिसका टाइम पीरियड 1000 BCE से 600 BCE है। आर्यन ट्राइब में बटे हुए थे और ट्राइब में एक लीडर हुआ करता था जो कि राजन कहलाता था, जो कि अपने लोगों को एनिमी से बचाता था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था और एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग को देखता था। इस राजन को एक प्रीस्ट या पुरोहित असिस्ट करता था। अक्सर ये राजन अपने लोगों के बिहाफ पर भगवान को भेंट भी चढ़ाता था। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो फैमिली या कुल इसकी बेसिक यूनिट थी, और फैमिली का लीडर फादर हुआ करता था, जिसे ग्रहपति या गहपति कहा जाता था। अर्ली वैदिक पीरियड में फीमेल का स्थान बहुत ही अच्छे स्तर पर था। वो एजुकेटेड थी, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी जाती थी, साथ साथ वह असेंबली और पब्लिक इवेंट भी अटेंड करती थी। यहाँ तक कि वे अपने जीवन साथी भी स्वयं के जरिए चुन सकती थी। अगर हम पीरियड की बात करें तो ऋग्वेदा में काम के आधार पर 3 क्लासेस का जिक्र है, ब्राह्मण्स जो कि किंग्स और लोगों के लिए वर्शिप और सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, क्षत्रिय जो कि वॉरियर्स हुआ करते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, वैश्य जो कि कॉमन पीपल हुआ करते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋग्वेदिक पीरियड में शूद्रा नहीं थे। ऋग्वेदिक पीरियड के एंड होने के बाद न्यू क्लास शूद्रा इमर्ज हुई। दोस्तों, इस पीरियड में एक और क्लास का जिक्र किया गया है, दास, जिनका काम आर्यंस की सेवा करना था, और प्रोबेबली ये इंडस वैली के ही डिसेंडेंट रहे होंगे। अगर हम वैदिक एज के इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था। इस एज में वीट, टेली, राइस बहुत ही लार्ज स्केल पे उगाई जाती थी। इसके साथ साथ हॉर्स, सिप, गोट और डॉग्स भी पाला जाता था। दोस्तों, आर्यंस वीविंग, चैरिट मेकिंग, मेटल वर्क्स, कारपेंट्री, लेदर एंड पोल्ट्री मेकिंग जैसे आर्ट्स में माहिर थे। ये ज़्यादातर बार्ले, मीट, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल ये सब खाते थे। साथ साथ ये कॉटन और वुल के ड्रेसेस पहनते थे। ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे। ये अपने खाली समय में चैरियट रेसिंग, हंटिंग, डाइस प्लेइंग ये सब खेलते थे, और म्यूजिक और डांस भी इन्हें काफ़ी प्रिय था। आर्यंस प्राइमरली पास्चर पीपल हुआ करते थे, इसलिए नेचर से इनका काफ़ी लगाव रहा, इसलिए ये नेचर की ही पूजा करते थे, और सन, विंड और रेन इनके देवता थे, जिसमें इंद्र रेन के देवता थे, अग्नि फायर के देवता थे, और वायु विंड के देवता थे, और सूर्य इनके देवता थे। अगर हम फीमेल गॉडेस की बात करें तो अदिति मदर गॉडेस थी, उषा हर क्रिएचर्स की लाइफ की देवी थी, और आर्यनिनी फॉरेस्ट की देवी थी। इस समय गॉड और गॉडेस को भेंट के रूप में आर्यों द्वारा यज्ञ और बलि दी जाती थी।
दोस्तों, आर्यंस ने लगभग 1400 साल तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे वैदिक कल्चर को अपने साथ डोमिनेट कराया और आज तक इंडियन कल्चर पे वैदिक कल्चर का डोमिनेशन बहुत हद तक है। दोस्तों, तो ये था पूरे वैदिक कल्चर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने मोटे तौर पर ये जाना कि आखिर वैदिक कल्चर था क्या, वैदिक पीरियड में हुआ क्या था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कम समय में कुछ अच्छा सीखने के लिए मिनी जानकारी को सब्सक्राइब जरूर करें।